नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन के बारे में। अगर आप बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन को अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आपको सही तरीके से थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं कि डिक्लेरेशन को लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि अपना डिक्लेरेशन आप खुद से लिखें, आपकी खुद की राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की राइटिंग नहीं होगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपका जो डिक्लेरेशन होना चाहिए वो रनिंग लेटर में होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। जहां पे कैपिटल लेटर का यूज होगा वहां पे कैपिटल लेटर का यूज कीजिएगा। पूरा का पूरा डिक्लेरेशन को आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखिएगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। डिक्लेरेशन को लिखते समय आप व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक बॉल पेन से ही लिखिएगा। ब्लू इंक बॉल पेन का यूज नहीं कीजिएगा, ब्लैक इंक बॉल पेन का ही यूज कीजिएगा और पेपर व्हाइट होना चाहिए। डिक्लेरेशन को जब आप लिख लेंगे तो उसका जो साइज होगा वो 20 से 50 KB के बीच में होगा। 20 KB से ज्यादा, 50 KB से कम होना चाहिए। और डिक्लेरेशन को आप इंग्लिश में ही लिखिएगा। और किसी भाषा में अगर लिखते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करना है। और डिक्लेरेशन को लिखते समय जब आप डिक्लेरेशन को स्कैन करेंगे तो एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो स्कैनर का DPI सेट होगा वो 200 मैक्स मिनिमम 200 DPI पर वो सेट होना चाहिए। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। इसका मतलब आपका जो डिक्लेरेशन होगा वो क्लियर होना चाहिए। अगर डिक्लेरेशन क्लियर होगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको डिक्लेरेशन में लिखना क्या है। तो जैसे मैंने लिखा है आपको भी वैसे ही लिखना है। तो एक बार मैं बोल के इसको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना आई कॉमा अपना नाम। तो मैंने लिखा राम कुमार कॉमा हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट कॉमा ट्रू एंड वैलिड फुल स्टॉप। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड। अब दोस्तों हम बात करते हैं थंब इम्प्रेशन के बारे में। तो थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। और ब्लू और ब्लैक इंक का यूज आपको थंब इम्प्रेशन देने के लिए करना है, या तो ब्लू या फिर ब्लैक। थंब इम्प्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए और अंगूठे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर होना चाहिए थंब इम्प्रेशन देते वक्त। थंब इम्प्रेशन जब देंगे तो जो अंगूठे का लाइंस होता है वो क्लियर दिखना चाहिए। मैंने जैसा दिया उसमें अंगूठे का लाइंस नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ अपलोड किया, यहाँ दिया दिखाया आपको। आप जब देंगे तो अंगूठे का लाइंस दिखना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए, स्कैन भी प्रॉपर होना चाहिए। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन 140x60 पिक्सल का होगा तो ज़्यादा अच्छा, ये प्रिफर्ड डायमेंशन है। इसके आसपास भी होगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उसके बाद साइज के बारे में बात करते हैं कि जब आप थंब इम्प्रेशन को दे देंगे तो साइज क्या होना चाहिए थंब इम्प्रेशन का। तो 10 से 20 KB थंब इम्प्रेशन का साइज होना चाहिए। और थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। जब आप थंब इम्प्रेशन को स्कैन करवाएंगे तो एक बात का ध्यान देना आपको कि जब स्कैनर को आप मिनिमम 200 DPI 200 DPI पर सेट करके ही स्कैनर को स्कैनर से स्कैन करवाइएगा। अब DPI का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच। और आपका जो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों हम फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। तो फोटोग्राफ जो होना चाहिए आपका वो रिसेंट होना चाहिए। और जो डायमेंशन होना चाहिए फोटोग्राफ का 200x230 पिक्सल होना चाहिए। अगर इसके आसपास आप रखते हैं तो भी चल जाएगा, इसके आसपास हो सकता है। अब साइज क्या होना चाहिए फोटोग्राफ का, 20 से 50 KB तक फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर करना है, ब्लैक पेन से, ध्यान देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर को आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मली सिग्नेचर अपना करते हैं वैसे ही आपको सिग्नेचर को करना है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिले। और आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका काफी अच्छा रहे।